हेलो ऑल, तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। सो कोई एक कार्ड निकालेंगे हम, कोई एक कार्ड, देखते हैं कि क्या फील कर रहे हैं वो। एक एक करके हम थ्री कार्ड्स निकालेंगे, ओके। सो फर्स्ट कार्ड है रिफ्यूज़ टू सी। तो यहाँ पे ये पर्सन को है जो है काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। इनको कोई एक्शन लेना है, कोई डिसीज़न लेना है, लेकिन ये पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या डिसीज़न लें, क्या करें, क्या ऐसा करें अपने रिलेशनशिप को सही बनाने के लिए, क्या स्टेप ले। ठीक, तो यहाँ पे ये पर्सन डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, जो कि इनके लिए काफ़ी ज़्यादा टफ है डिसीज़न लेना। ठीक है, सो अदर कार्ड देखते हैं। तो यहाँ पे है मूविंग ऑन। यहाँ पे आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा उदास है, काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ये पर्सन जो है इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर के ये पर्सन सोच रहे हैं कि अब जो है इनका जो है मूव ऑन करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो ये पर्सन अभी जो है आपके प्यार को, ठीक है, आपके प्यार को छोड़ करके अभी थोड़ा सा जो है ना ये इमोशनल होकर के अकेलापन थोड़ा इनको चाहिए। ठीक, तो ये पर्सन थोड़ा अकेलापन चाह रहे हैं। ओके, लास्ट कार्ड निकालते हैं, देखते हैं कोई एक कार्ड। ओके, वाओ, शेयर द लव। ठीक है, तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि अब जो है आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि अब जो है इनको आपकी लाइफ में वापस आना चाहिए, अब जो है अपना प्यार इनको दिखाना चाहिए, अब अपना प्यार, अपना जो सपोर्ट है वो आपके लिए ही होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे ये इनको फील हो रहा है। सो ये रही रीडिंग, बाय बाय।